खबरों का सिलसिला इतना ही लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे ये प्रोग्राम जरा बच के। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा, एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200-10, मोबाइल नंबर 0321333 5। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नर्स्ड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। फोन 0483259090, 0483701080। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तेरे नाम से आगाज किया करता हूं और तू मेरे काम को आसान बना देता है। प्यारे लिसनर्स, व्यूअर्स, देखने और चाहने वालों, मैं हूं आज फिर एक बार आपका अपना मेजबान इनाम खान और मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं इस वक्त शो में मुनज़्ज़ा, और मेरी तरफ से आपको खुश आमदीद। लिसनर्स, बिग न्यूज का खूबसूरत प्रोग्राम जरा बच के आज एक मेहमान खास के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिग न्यूज के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सैफ खान साहब, उनकी मेहनतों से आज ये चैनल जो है बहुत पसंद किया जा रहा है व्यूअरशिप के हवाले से, लिसनरशिप के हवाले से। तो आगाज आज हमारा एक ऐसी शख्सियत के लिए है जो न सिर्फ सरगोधा की पहचान है, सरगोधा की आन है, सरगोधा की शान है और सरगोधा का मान है। बहुत से रिकॉर्ड सियासत की बसात पे उन्होंने चले और रब्बुल इज्जत ने उनको कामयाबियां अता की। अनवर अली चीमा, एक सरगोधे के लिए जिसे मोहसिन सरगोधा कहते हैं, जिसे बाबाए तामीरात कहा गया, ऐसी शख्सियत जिन्होंने 7 से 8 बार कंटिन्यूसली अपने इलेक्शंस को विन करके पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम किया। और अनवर अली चीमा साहब के एक सपूत जिन पे हमें फख्र है, जिन पे हमें मान है, आमिर सुल्तान चीमा। सियासत की बसात मैं समझता हूं कि खानदानी हुआ करती है, तो उनकी सियासत की बसातों में बड़ी ताकत और चाल होती है। अभी जब मैं इनके खानदान का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा तो एक पूरी बसात आपके सामने आ जाएगी कि कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं जो सियासत से वाबस्ता हैं और सरगोधा की तारीख को पिलर्स बनकर इस तरह से थामा हुआ है। मेरा इशारा और मेरा मतलब है आमिर सुल्तान चीमा, एक यंग क्यादत। मैं उन्हें उस वक्त से जब हम सीनियर हुआ करते थे और वो बहुत जूनियर हुआ करते थे, मेरे हाथों में पलकर बड़े हुए और मुझे भी उनकी जात पे एक फख्र है। मेरा इशारा है मुनज़्ज़ा इस वक्त आमिर सुल्तान चीमा साहब की तरफ से, जो स्टूडियो में मौजूद हैं, और मैं उनको वेलकम कहता हूं, खुश आमदेद कहता हूं। वेलकम आमिर सुल्तान चीमा साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी खान साहब आपका और आपके इस प्रोग्राम का शुक्रिया। और आपने एक बहुत तफील लम्मा एक इंट्रोडक्शन कराया है। यकीनन मेरे लिए सियासत में आना, सभी कहते हैं कि खिदमत है, और यकीनन सब कुछ है, और अल्लाह ताला की रज़ा के बाद खिदमत ही इस दुनिया और आखिरत में एक सिला है। लेकिन सियासत में मेरा अपना जो करदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ चौरानवे अली चीमा मेरे वालिद मोहतरम की उस ज़ात तक है, क्योंकि वो मुझे लेके आए सियासत में। और आज उनके बाद मैं अगर सियासत कर रहा हूँ तो सिर्फ इसी बिना पर कर रहा हूँ कि उनका नाम जो एक अच्छा मकाम बनाया दुनिया में, एक अच्छा नाम छोड़ के गए, उस नाम को मैं की लाज रखूँ और चलता रहूँ। कल को ये कोई ना कहे कि अनवर अली चीमा ने शायद तरबियत अच्छी नहीं की थी कि औलाद न लेकने के लिए। इस वजह से सियासत अब मेरा ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ और सिर्फ अनवर अली चीमा की उस शख्सियत के नाम है, जो शख्सियत वो इस दुनिया में हम सब के लिए छोड़ के चले गए। लिसनर्स, गल मूह नाल कहनी बड़ी सौखी होंदी है ते गल कह के निभाउणी बड़ी औखी होंदी है। अभी आपने आमिर सुल्तान चीमा साहब का वो अज़म सुना और उस अज़म में आपने महसूस किया कि अपने वालिद का अदब और उनकी तामीर की हुई सियासत की बसात पे वो चालें और वो एक ह्यूज महल जो वो सरगोधा के लिए छोड़ के गए, उनकी तामीर व तरवज में उन्होंने अपना आप पेश किया। मुझे याद है, मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, उसके बाद हम कम टू द पॉइंट आएंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे चल सकें। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जब चौधरी अनवर अली चीमा साहब हम सबको छोड़कर
अपने खालिक हकीकी से जा मिले और उनके जनाजे के वक्त का ऐलान किया गया, जगह का तायुन किया गया। और जगह के तायुन में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कौन सी ऐसी जगह सिलेक्ट की जाए जहां ज्यादा से ज्यादा जनाजे में शिरकत करने वाले लोग आ सकें, क्योंकि वो तवक्को रख रहे थे हम सब लोग कि इस कदर क्राउड होगा, इस कदर खलकत होगी, इस कदर लोग होंगे कि हम उस मॉब को किस तरह से संभाल पाएंगे। तो फिर मुझे याद है कि उस वक्त इंतजामिया ने जो उस वक्त तश्कील पाई थी, मेला मंडी ग्राउंड जो सरगोधा का एक सबसे बड़ा ग्राउंड है, वहां जनाजा नमाज पढ़ने की हमने फैसला किया। और मैं भी ये सादत हासिल कर चुका हूँ मोहसिन सरगोधा के जस्ते खाकी को कंधा देने की और नमाज जनाजा अदा करने की। तो आप यकीन कीजिए कि मैं ये बात कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि इतना बड़ा जनाजा सरगोधा की तारीख में मैंने किसी का नहीं देखा जितना चौधरी अनवर अली चीमा साहब, जो मोहसिन सरगोधा थे। इस सवाल के थोड़े से जवाब में आई एम राइट, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे आमिर के मैं को गलत तो नहीं कह रहा? जी बेशक ऐसा ही है कि जब वो उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त हॉस्पिटल में लाहौर में इंतकाल हुआ, तो वहाँ से हम उनकी डेड बॉडी लेके चले तकरीबन 11:30 सुबह, और असर के फौरन बाद हमने कहा कि उनका जनाजा करा दिया जाए, ताकि उनकी ख्वाहिश थी, उनकी नसीहत थी कि वो जल्द से जल्द उनको जो है सुपुर्द खाक किया जाए। तो वो चंद लम्हात थे, यानी कि चंद घंटे समझ लें, और उसी सोशल मीडिया पे ही फिर लोगों ने देखा उनका पैगाम उनका जनाजा है। उसके मतलब ये नहीं कि हमने कि दो दिन बाद जनाजा उठाया, बल्कि चंद घंटों बाद जब जनाजा उठाया तो इतनी मखलूक थी कि वो मेला मंडी ग्राउंड जो कच्चा कच भरा हुआ था, और उनकी लिए यकीनन एक, बल्कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज से वो याद करूँ कि लोगों का उनके लिए एक अकीदत का एक मसाली जज्बा था, एक अकीदत थी, एक एहतराम था। कोई आंख लिसनर्स देखने और चाहने और सुनने वालों ऐसी नहीं थी जो अश्क बार ना हो। जनाजा ग्राउंड की हद तक नहीं, बल्कि आप यकीन कीजिए कि ये जो मेला मुंडी रोड है कॉन्वेंट स्कूल वाला, वहां तक लोगों का एक जमे गफीर था, सर ही सर थे। क्या किसी को नाज होगा अपने सियासत के जलसे जुलूसों का? तो ये वो शख्सियतें हैं जिनको लोग कहते हैं कि चले जाने के बाद एहसास होता है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। चौधरी अनवर अली चीमा साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि वो जिंदा थे तो तब भी हर दिल अजीज थे, वो हम सबको छोड़ के गए तो वो उससे ज्यादा मोहब्बतें समेट कर गए और अपने आप को हमारे दिलों में एक नक्श कर गए जिसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। तो वो आज की शख्सियत चीफ एडिटर रोजनामा रफाकत, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बड़ा नाम है सियासत के हवाले से, एक मैं समझता हूं एक पावरफुल शख्सियत है जो कि न बिकने वाला न झुकने वाला सियासत के हवाले से डटकर सहाफत करने वाला सीनियर सहाफी मोहम्मद अल्ताफ मलक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब मैं आपको खुश आमदेद वेलकम और जी आयम कहता हूं। शुक्रिया जी मुनसर। जी सर, सर मेरा सवाल आपसे है कि सियासत में आप हादसाती तौर पर आए या फिर आपने कभी सोचा था कि मैं सियासत में ही जाऊंगा, या इसके अलावा भी आपका कोई मोटिव था कि मैं वहां पर जाऊं किसी और फील्ड को चूज करूं, या फिर आप अपने वालिद को देखते हुए आपको ये विरासती शौक था कि मैंने ये सियासत में ही जाना है? जैसा कि एक सियासी घराना है और सियासत का सिलसिला यहाँ है, मेरे दादा भी इसी सियासत में थे, मेरे परदादा, मेरे परदादा चौधरी हकम अली, मेरे दादा चौधरी सुल्तान अली चीमा साहब, वो भी सियासत में थे, और फिर वालिद मोहतरम तो माशाल्लाह वो मतलब कि एक ज़िला लेवल से, एक जूनियर काउंसिल लेवल से, एक नेशनल लेवल पे उनका नाम बना, फिर अल्लाह के फजल से इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका नाम और पहचान हुई। तो ज़ाहिर है मैं जब सरगोधा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त स्टूडेंट यूनियन से मैंने अपनी सियासत की इब्तदा की, तो वहाँ उस हमने शहीन स्टूडेंट के नाम से एक तंजीम बनाई थी गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा में, वो पैनल खड़ा किया, वहाँ पर सारा का सारा पैनल जीते, और वहाँ से मेरी एक सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई। फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था तो उस वक्त उसके बाद फिर मैंने वालिद साहब ने जब 88 में मुझे पहली दफ़ा जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया
एज ए एम पी में मुंतखब हुआ 88 में, तो वहाँ से मेरी भी सियासत का सिलसिला हुआ। ज़ाहिर है मैं हर बंदे की ख्वाहिशात होती, मेरी भी छोटी सी उम्र थी शायद अभी मुश्किल से 25 या सवा 25 साल समझ लें कि फ़ौरन बाद मतलब मैं इलेक्शन में आया, तो मेरे ख्वाहिशात तो यही थी जैसे होती हैं कि मैं कहीं किसी और फील्ड में जाता, लेकिन क्योंकि सोच ही यहाँ तक महदूद हो गई थी कि वालिद साहब, क्योंकि मेरी शख्सियत पे मेरे वालिद का अमल दखल या उनका साया समझ लें या उनके कैसे जो भी उसको अल्फाज दे लें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गहरे हैं वो अल्फाज और उनका साया इतना गहरा है मेरे मेरे तमाम शख्सियत पे कि मुझे उनके एहतराम में इस सियासत को अपनाना पड़ा। मैं आज भी सियासत से घबराता हूँ, बल्कि मैं जब पहला इलेक्शन लड़ा तो मुझे अच्छी तरह याद है, तो मुझे कहा गया कि जी आप सिर्फ हल्का फुल्का कंपेन करेंगे, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। तो मैंने वालिद कहा ठीक है जी, जब मैं बन जाऊंगा तो आपने जाना है, आपके काम जाने, मैंने दखल नहीं देना। तो मैं वो ऐसा ऐसा फिर इसी में चलता गया, फंसता गया, और अब तो ऐसा वक्त है कि अब तो सियासत के इन सरगर्मियों से जान कहने छुड़ाएं तो मुश्किल है, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि हम अगर छोड़ दें तो जहर है, मुखालफीन कहेंगे कि पता नहीं डर गए हैं। दूसरे लफ्जों में चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब, हम ये कह सकते हैं कि कंबल ते सानू छड़दा है पर असी कंबल, ये कंबल नू असी छड़ने है, कंबल ही नहीं सानू छड़दा, यही समझ। लेकिन आपके लिए एक बात और बड़ी मशहूर है आमिर सुल्तान चीमा साहब के, आप बड़े शाही और बड़े शर्मीले से सियासतदान हैं, इसमें क्या हकीकत है, सच सच बताइएगा, क्योंकि इस वक्त कैमरों की आंख आपको कैप्चर कर रही है। शर्मीलापन तो हर की शख्सियत में होता ही है, मेरी शख्सियत में थोड़ा सा कुछ ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा था, मैं घबरा जाता था, मुझे याद है कि मैं फेस नहीं कर पाता था, भाग जाना, लोग बैठे होने तो वहाँ से जान छुड़ाने की कोशिश करनी, और ये अभी भी कई दफ़ा दिल करता है, एक बात हो रही हो तो मैं वो बात मेरी कोई समझ ना आए या कोई मेरी समझना ना चाहे या मेरी कोई समझ ना रहा हो, क्योंकि मेरी आदत है मैंने सच बोलना है, और जब मैंने सच बोलना है तो सच कड़वा भी होता है, लोग महसूस भी करते हैं, मुझे अक्सर जानने वाले और प्यार करने वाले कहते हैं यार तू दिल ही रख लिया कर, जरा आया मतलब कह दिया कर, पंजाबी में कहते हैं पुत्र दिया कर यार, तो वो उनका दिल रख लिया करो जो भी आया, मैं कहता हूँ यार मैं मेरे से बोला नहीं जाता झूठ, मैं सच बता देता हूँ ये होने वाला नहीं होने वाला, कहते नहीं एक दफ़ा तू हाँ कर देगा अभी फिर पता चल जाएगा लोगों, तो वो मैंने बस वो इस तरह चीज़ें आ जाती हैं कि अभी भी कई दफ़ा जब वो मैं सच बोल देता हूँ तो फिर नाराजगियाँ बन जाती हैं, कहते जी बड़ा कड़वा है इन जान के मतलब काम नहीं करता, मतलब मेरी शख्सियत दो पहलुओं में यानी कि शर्मीलेपन में और कड़वापन में जो है वो फंस के रह गई है, लेकिन बहरहाल कोशिश मेरी यही है, क्योंकि 6 दफ़ा अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, 6 दफ़ा MPA बना हूँ, 2 दफ़ा बीच में मिनिस्टर रहा हूँ, और ज़ाहिर अब तो मुझे भी तकरीबन 30-35 साल इसी फील्ड में हो गए हैं, तो अब तो हर चीज़ में रस बस गया ये सिलसिला सारा, और माशाल्लाह वालिद साहब के बाद लोगों ने फिर इत्माद का इजहार किया, और साथ मेरा बेटा मोहम्मद मुनीब सुल्तान भी अब तो सियासत में कदम रख चुका है, तो नेचुरली अब इसके अलावा हमारा है नहीं है कि हमने कहीं और देखना जाना है, बल्कि हमने अब इसी तरह ही खिदमत करनी है और खिदमत ही के सिलसिले में आगे चलना है, और ना कि यह कि कोई हमारा इससे कोई कारोबार है या इससे हमने कोई फ़ायदे उठाने हैं, सारी दुनिया के सामने हमारा किरदार सबके सामने है, और एक खुली किताब है, मुखालफिन ज़रूर इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इन्होंने ये ऐसा किया है या ऐसा किया, बल्कि बहुत सारे मुखालफिन तारीफ भी करते हैं कि यार नहीं ये लोग सच्चे हैं और सच्ची बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब के, आपने सियासत के कांधों पर क्या खाना क्या कमाना, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खानदानी तौर पे मैं समझता हूँ कि बड़ी इज्जत से बड़ी दौलत से जमीनों से जर से नवाजा हुआ है, तो आपको इन चीज़ों की भूख नहीं है, और फख्र इस बात पे है कि चौधरी अनवर अली चीमा साहब के चले जाने के बाद भी आपके उस खूबसूरत घर का कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ जिसे आपने खुला रखा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि शायद इसमें आपकी वालदा मोहतरमा का बहुत बड़ा हाथ है कि वो भी एक अजीम खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और एक अजीम खातून हैं, लिखारी हैं, अफसाना निगार हैं, किताबें लिखी हैं, मैं उनको आपकी किताबों का हवाला भी दूंगा। तो आपने बात की कि कुछ बातें सच जो हवाले से किया जाए तो कड़वा कसेला होता है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं
मैं चौधरी आमिर सुल्तान सीमा से कड़वा सा सवाल कर लूं। आप पे एक इल्जाम है कि आप पहले काफ लीग में गए, उसके बाद फिर आपने नून लीग ज्वाइन की और अब आप पीटीआई में आ गए हैं, इसकी क्या रीजंस हैं? ये थोड़ा सा आपने गलत कह दिया। ऐसा था कि मैं मेरी सियासी जिंदगी 88 में शुरू हुई, हम क्योंकि पहले 85 में वाले साहब आज़ाद इलेक्शन से सब लड़े, तो फिर मुस्लिम लीग बनाई गई जिनेजो साहब की और नवाज शरीफ साहब मिलके, तो हम फिर जो है मुस्लिम लीग में थे सारे, और उसको मुस्लिम लीग नून कह लें या जो भी नाम दे लें, क्योंकि सारी एक ही वो जमात थी उस वक्त, और IGI एक जो सियासी अलायंस बना था जिसमें जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग और शायद बाकी 9 और जमातें शामिल थी, उसका प्लेटफॉर्म पे हमने पहला इलेक्शन 88 में लड़ा, फिर 90 में वो लड़ा, फिर 93 में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वजूद जो है वो 93 के इलेक्शन में ही वजूद में आया, पहले था लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं था, पहले IGI के साथ अलायंस में था मुस्लिम लीग नून, जी जी। उसके बाद 93 में जो है इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ा, और फिर 97 में 2/3 मेजोरिटी मुस्लिम लीग नून को मिली, ठीक है। तो ये यहाँ तक का सफर हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ है। फिर जब 99 में मार्शल आ गया, क्योंकि हमारी अजीजदारी चौधरी साहबान के साथ है, और जब वो मार्शल लगा तो फिर उसके बाद काफ लीग का वजूद में आया, और फिर 2002 का इलेक्शन हमने काफ लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ लड़ा, और 2002 में मैं काफ के साथ लड़ा, 2008 का भी मैंने काफ के साथ लड़ा, और ये मेरे ख्याल दोनों ट्रेनर आपने विन किए थे, हाँ जी, और 2013 का इलेक्शन भी काफ लीग के साथ लड़ा। हालांकि 2008 का इलेक्शन काफ लीग के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इलेक्शन के दौरान बेनजीर साहबा का जो शहादत हो जाती है, और वो उस वक्त काफ लीग कातल लीग के तौर पर नुमाया होती है, और उसके बावजूद लोगों ने भरपूर तरीके से मुझे और चीमा साहब को मुंतखब किया। फिर 2013 के इलेक्शन में भी हम मुझे मुंतखब किया, लेकिन वालिद साहब कुछ नागजीर वजह की बना पे वो इलेक्शन लूज कर गए थे। तो फिर वालिद साहब की 2016 में जो है डेथ हो गई, और मुझे क्योंकि उस सीट का बदला लेना था, और मुझे उस वालिद साहब की उस इलेक्शन का के हवाले से, तो फिर मुझे सारा अपने उन लाइसेंस को देखना था, अपने लोगों को देखना था। तो फिर जब मुझे ये जो इलेक्शन आए हैं 2018 वाले, उनमें क्योंकि हमारे अजीज़ वकारब भी और सारे लगते कुछ हैं वो PTI में चले गए थे, और मैं चाहता था कि मेरा इलेक्शन जो है वो ऐसा हो जाएगा कि जिससे मैं अपने वालिद साहब की उस खोई हुई सीट को वापस ले सकूं, तो फिर इसलिए मुझे मैंने जो है वो ज्वाइन कर ली अपना PGI। बहुत खूबसूरत क्लियरेंस आपने अपनी सफाई पेश की। आपका हमेशा मकसद, आपका वतीरा जो है चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब, मैं समझता हूँ खिदमत, खिदमत और फिर खिदमत रहा है। आपको जहां खिदमत के मौके बेहतर और क्लियर नजर आए, आपने हमेशा उसी रास्ते को अपनाया। इससे पहले कि मैं मुनिजा अल्ताफ मलक साहब की तरफ जाऊं, मैं चाहूंगा कि एक और को खूबसूरत सा सवाल आप चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब से पूछ सकती। जिसे मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी हुकूमत को 4 साल हो गए हैं, तो महंगाई एक ऐसा आप कह लें कि अजाब है जो गरीब बंदा उसमें जो है ना वो खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई भी हमें इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए अब आखिरी साल है हुकूमत का, तो क्या आपने लाहे अमल जो है वो गवर्नमेंट इख्तियार करेगी उसके लिए? देखिए, महंगाई एक ऐसा चीज है कि ये हर दौर में रही है, और हुकूमत जितनी मर्जी इकदाम उठा ले, जब तक हमारे अफराद जद को बेहतर हमारी उसको इन चीज़ों से बेहतरी नहीं आएगी, उसको सब्सिडाइज चीज़ों को नहीं मिलेंगी, रायती चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो तब तक ये चीज़ें इस तरह ही रहेंगी। क्योंकि महंगाई जो है वो इन 4 सालों में, ये नहीं कि महंगाई इन 4 सालों में, पिछले 70 सालों की भी सिलसिला देखा जाए तो मैं अगर आप देखें तो भुट्टो साहब की एक मैंने तकरीर अगले दिन देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो भुट्टो साहब जलसे में तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी महंगाई मैं नहीं लाया, महंगाई इंटरनेशनल ले आई। इसका मतलब है भुट्टो दौर में भी महंगाई थी, जबकि आज के नस्बत से देखा जाए तो वो हमें महंगाई नज़र नहीं आएगी। इसी तरह बेनजीर का दौर आया तो उन्होंने
नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया, जब नवाज शरीफ का दौर आया तो उन्होंने बेनजीर पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने महंगाई कर दी। यहाँ तक कि एक निगरान केयर टेकर हैं मराज खालिद साहब बने थे, उनकी भी सोशल मीडिया पे वीडियो आजकल वायरल है, उस पर भी वो कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ा मसला जो है हमें महंगाई ही है मसला है। बस बेसिक चीज़ यह है कि हम जब हमने कर्जे लेने हैं और उस मुल्क को चलाना है और मुल्क को चलाना है तो आपके जो रुपी है उसने डी वैल्यू होना है, जब रुपी ने डी वैल्यू होना है फिर जब IMF के पास प्रोग्राम ले के लिए जाना है तो IMF की शरायत होंगी, ज़ाहिर है उन्होंने अपने उन कर्जों को वापस भी लेना है, तो उन शरायत को जब आप मानेंगे तो नेचुरली हर चीज़ में जो आप सब्सिडीज दे सकते हैं वो नहीं दे सकेंगे, उनकी शरायत पूरी करेंगे तो नेचुरली इस महंगाई ने और बढ़ना है। जिस अब जैसे तेल था नवाज शरीफ के जो लास्ट दौर है उसमें 40 बैरल डॉलर से ज़्यादा तेल नहीं महंगा हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने नवाज शरीफ पर महंगाई का इल्ज़ाम लगाया। अगर वो इतना सस्ता था तो 2018 के इलेक्शंस में थंपिंग मेजॉरिटी लोगों को देनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, लेकिन लोगों ने PTI को चुन लिया। अब PTI का दौर आया तो यही जो वो 40 बैरल था अब आई थिंक $100 पर बैरल के करीब या उससे ज़्यादा उससे भी ज़्यादा तेल हो गया और अभी बढ़ रहा है, तो नेचुरली उस क्योंकि पहले ही होता था कि इस तरह की चीज़ें सब्सिडीज दी जाती थी। अब उन्होंने कहा है IMF ने कि जितना आप होगा वो सारा का सारा बोझ जो है वो कन्वर्ट करेंगे आप अवाम के ऊपर, जब अवाम पे देंगे तो लिहाजा महंगाई होगी, इसलिए जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसको ये फेस करना पड़ेगा। जो पिछली गवर्नमेंट गुजर गई होंगी वो लोगों को अच्छी लगेंगी, हो सकता है आइंदा आने वाले वक्तों में आज अगर खान साहब की हुकूमत को लोग महंगाई से कह रहे हैं महंगाई है और उससे तो आइंदा आने वाली हुकूमत में लोग कह रहे हो कि ये हुकूमत बेहतर थी पगली होगी वो होगी, तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन चीज़ ये देखनी है कि हमने किस तरह लोगों को जो है उनको बेहतर सहूलतें देनी है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत तरक्की काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं अपना, लेकिन हमें उस तरह मीडिया सपोर्ट नहीं मिली, उस पर हमारी ही कसूर समझ लें कि हमने शायद हो सकता है मीडिया के साथ उस तरह अच्छे रिलेशंस नहीं बनाए कुछ मसले ऐसे हैं और जिनकी वजह से हमें वो सपोर्ट जो है जो कि पिछली हुकूमत नून लीग को मिलती रही शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी नहीं मिली और PTI की गवर्नमेंट को वो नहीं मिली, लेकिन बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत को फिर लोगों को वोट देने चाहिए थे, फिर मीडिया को इतना किया था तो उनको फुल थंपिंग मेजोरिटी से आना चाहिए था। अब लोग कहेंगे जी इसमें करदार उन अदारों का रहा है, उन्होंने नहीं डाली, लेकिन अदारों ने जाके वोट तो नहीं डालना, वोट तो पब्लिक डालती है, अदारों ने ये जरूर किया होगा, मैं नहीं इल्ज़ाम लगाता लेकिन मैं अगर फर्ज करो लोगों की बात मान ली जाए तो अदारों ने हो सकता है ये जरूर किया होगा कि जैसे आमिर सुल्तान को किसी ने कहा होगा इधर चले जाओ, किसी ने कहा इधर चले जाओ, लेकिन वोट तो प्योरली मेरिट पर हुआ है, वोट पर्ची पे कोई बंदा एक बंदा भी नहीं कह सकता कि पर्ची वाले दिन पोलिंग डे पे कोई धांधली हुई है। सर सारे बालिग लोग ही डाल रहे होते हैं ना वोट, कोई ऐसा है लेकिन आमिर सुल्तान जी सर मैं समझता हूं हर एक दोनों ग्रुप जो 2-3-4 जितने में लोग खड़े होते हैं सबके एजेंट्स वहां मौजूद होते हैं, सबसे साइन लिए जाते हैं, सबसे देखा जाता है, अगर धांधली है तो उसका एक प्रोसीजर है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं, अपना सबूत देते हैं, ये सब कुछ इतना इजी नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर आज तक तो किसी ने सबूत नहीं दिया, हमने इल्जाम जरूर लगाया सब पार्टीज ने एक दूसरे पे, अपोजिशन में हमेशा अपोजिशन ने ये कहा कि धांधली होगी, गवर्नमेंट ने कहा नहीं होगी, तो ये सिलसिला आज से नहीं चला आ रहा, पिछले अगर आप आपने इशारा किया और बड़ी अच्छी बात है कि आपने अगर एक कोई कमी कोताही आपने महसूस की तो आप उसे तस्लीम कर रहे हैं और आप खुद अपनी जुबान से बयान कर रहे हैं कि मीडिया के साथ आपके रिलेशन को इतने बेहतर नहीं रहे, लेकिन मेरे ख्याल में पंजाबी की एक मिसाल है कि अजय डुल्लिया बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, असं बेर चूम सकते हैं अभी, माशाल्लाह आपके पास 2 साल हैं अभी, पहले महीने का आगाज है उसके बाद हमारा ये 22 है और 23 जब में जाके कहीं इलेक्शन होंगे, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन मीडिया के साथ सहाफियों के साथ बनाने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी मीडिया से, इस वक्त भी मीडिया के हवाले से बैठे हैं। मेरे प्रोड्यूसर मुझे इशारा कर रहे हैं कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं जहां मैंने अल्ताफ मलिक साहब को रेडी करना है नेक्स्ट के लिए, कहीं से भी क्वेश्चनिंग होगी आमिर सुल्तान चीमा साहब के हवाले से, बाबाए तामीरात और मोहसिन सरगोदा जनाब चौधरी अनवर अली चीमा साहब के हवाले से भी मैं ये भी इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं कि मेरी लेफ्ट साइड पे हमारे
चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब को वेलकम कहने के लिए सरगोधा के फनकारों की एक जोड़ी जो है वो मौजूद है, जिनमें सीनियर मोस्ट फनकार शेख अरशद साहब मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा से वेलकम कहने के लिए तशरीफ लाए हैं गुल खान। इनसे बात होगी मुनज़्ज़ा मेरा ख्याल ब्रेक के बाद। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, जाइएगा नहीं कहीं, हमारे साथ रहिए। आप वॉच कर रहे हैं बिग न्यूज का बिग शो जरा बच के। शालीमार, लज्जत की बात जायके के साथ। एक बात याद रखें, अच्छी चीज सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। बेमिसाल लोगों का बाएतमाद इदारा। प्रो राइटर मोहम्मद याकूब मेकन, ब्लॉक नंबर 13-14, मेकन प्लाजा सरगोधा। सच बोल ते पूरा तोल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे थे प्रोग्राम जरा बच के और हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही मानी जानी शख्सियत मोहतरम आमिर सुल्तान चीमा साहब। तो हम अपने प्रोग्राम का बकायदा दोबारा वहीं से आगाज करते हैं। मेहमान खास जनाब आमिर सुल्तान चीमा साहब और हमने दूसरे आज के मेहमान जिन्हें हमने जहमत दी है, सहाफत से ताल्लुक, चीफ एडिटर रोजनामा रफाकत, सीनियर साफी मोहम्मद अल्ताफ मलक। इससे पहले कि हम अपने मिजाह की तरफ आए, मैं चाहूँगा अल्ताफ साहब से कि को खूबसूरत से हवाले से अगर आपसे मैं सवाल करना चाहूँ कि थोड़ा सा सहाफत क्या है। जैसे कि अभी चीमा साहब ने फरमाया कि हमारे को इनके साथ को ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे कि जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा खला महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सहाफत में इतनी पावर होती है? जी, सहाफत असल में तो ये खान साहब सहीफा से निकला है, इसका मतलब मैसेजेस जो है ना वो दूसरों को कन्वे करना है। तो सहाफत जो है असल में उनका मकसद तो जो है मसाइल जो हैं उनको लोगों तक पहुंचाना और अरबाब इख्तियार जो हैं उनको लोगों के मसाइल से आगाह करना है। तो जो है साफ़ी जो है और सहाफत जो है वो लोगों में इस कदर असरंदाज है कि मैंने देखा है कि जो बात आप कर रहे हैं किसी के सामने कर रहे हैं और वो आप कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन वो आप ही की बात जो है वो लोग कहते हैं कि मैंने ये अखबार में पढ़ा है कि आपने यूं कहा है। आप उस बंदे के सामने बेशक कह रहे हैं कि जनाब ये मैंने नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इस कदर साफ़ी साफ़त पर एतमाद करती हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी वो सच था जो मैंने अखबार में पढ़ा है या मैंने टीवी न्यूज़ में देखा है। आपके कहने का मतलब ये है कि सहाफत एक इतना अथेंटिक और इतना लाजम शोबा है कि कोई भी किसी भी हवाले से अगर ये बात करे या मैं उसे कोई दलाइल दे रहा हूं तो वो मेरे दलाइल को रिजेक्ट करके कहेगा यार खान साहब कमाल कर रहे हो, मैं सवेरे अखबार इच पढ़े है, यानी कि अखबार इच अखबार पे जोर दे के वो बात करेगा, तो इट मींस कि वो अखबार की न्यूज को मेरी जुबानी ज्यादा अहमियत देगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस वक्त मुनज़्ज़ा चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान बैठे हैं इससे पहले कि ये उठ के चले जाएं, इन्हें भी थोड़ी सी इजाजत दी जाए कि माहौल को जरा खुशगवार करने के, जब इन्हें पता लगा कि चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब तशरीफ ला रहे हैं। लिसनर्स व्यूअर्स देखने और चाहने वालों, आपको एक और बात बता दूं, आमिर सुल्तान चीमा साहब एक तो हर दिल अजीज शख्सियत है, हर किसी के पसंदीदा है, बहुत प्यार करने वाले, मुखलिस, और फिर दूसरी बड़ी बात कि घुल मिल जाने वाले, जैसा कि आज मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें इतने बेहतर तरीके से घुल मिलकर बातें करते देखा, वरना मैं समझता था कि शायद एक रिजर्व पर्सनैलिटी है, लेकिन नहीं, आज इनका ये पॉजिटिव और मोहब्बतों भरा मैंने जो रुख देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ इससे मौजूद है अरशद शेख साहब और अरशद शेख साहब के साथ तशरीफ रखते हैं गुल खान जो कि स्पेशली पेशावर से आए। गुल खान देख नहीं रहे आज स्टूडियो च कौन आए हो? इन्हें कौन आया? मैं तेरे को पूछ रहा हूं, तू मेरे को पूछ रहा कौन आया? मैं तुम दसा आज साडे एमएनए आमिर सुल्तान चीमा साहब आए हुए ने। अच्छा अच्छा, किधर है वो? किधर है वो यार? इतनी बड़ी शख्सियत तेनु नजर नहीं आ रही? ये भाई साहब, ए भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब की हाल है? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए खैरियत से हैं? मैं ठीक है चौधरी साहब, इधर पंजाब में लोग मेनू बहुत तंग कर दे।
शर्मा के कौन कर लिया करो ये रब नहीं पता पिछू कि इस्लामाबाद तो है केड़े शहर तो है यानी कि कितो तेरा कितो बिलोंग करना है पाकिस्तानी है बस ये थोड़ा है कि मैं पाकिस्तानी है वाह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है खान साहब अच्छा खान साहब पता है जो इलेक्शन होया सी चीमा साहब बड़ी मुश्किल नाल जीते सर वो बार बार गिनती होंदी रही वोटां दी अच्छा अच्छा जेड़े वोट गिनन वाले सन उन्हां नूं 54 तों अगे गिनती नहीं आंदी सी जी जी इस वास्ते फैसला की होया वो फैसला फिर की होना सी बार बार गिनती होंदी रही कोई फैसला ना होया फिर फैसला ये कीता गया कि वोट तोले जान अच्छा अच्छा वो तोला एक चीमा साहब दे वध गए वो जीत गए मैनूं एक बात का समझ नहीं आया ना चीमा साहब आज मैं घर से निकला प्रोग्राम के लिए आ रहा था ना रास्ते में लोग सिपाहियां कर रहा था ये कौन आ रहा है इतना सिपाहियां हो रहे हैं ये मुल्क में आज क्या होने वाला है हमारे लिए तो इतना सफाई नहीं हो सकता मेरे को पता गुल खान के लिए तो इतना सफाई नहीं होगा सफाई निस्फ मेहमान है हो सकता है यहाँ की इंतजामिया को ये सोच आ गई हो कि सफाई कर दें पता नहीं शायद अतमाद वाले आ रहे हैं पता नहीं हो सकता है वो पीपल्स पार्टी वाले जो सिंध से चल पड़े हैं अपना जुलूस लेके और वो पहुंचने वाले हों तो हमने कहा चलो उनको वेलकम करते हैं ताकि उन पता नहीं अदम तमाद में कामयाब हो ना हो कम अज कम हमारे जिले में सफाई होगी तो कम अज कम ये देख लेंगे कि सफाई सफाई कर लो इस तो पहले कि साडा सफाया हो जाए अच्छा एक और गल दसा खान साहब पता की होया पिछले प्रोग्राम विच मुमताज अख्तर कालू साहब आए जी है मैं उन्होंने कहा जी जेडे सहाफी ने इन्हां नूं तुसी अक्सर सहाफिया नूं तुसी उत्थे अपना उमरा करवाया जी है और उत्थे उन्हां खूब सेल्फियां बनाईयां जी है अच्छा उस तो बाद मैं कहा कोई फनकारा लई भी कोई साडे लई की कोई हुक्म है इनाम खान साहब वास्ते उमरे दे जनाब कह गए जी इन्हां नूं जरूर उमरा करवावांगे मैं कहा खान साहब असी मैं भी मुसलमान हूं ते कहन लगे आहो यार तू जुमा शुमा पढ़ के गुजारा कर मैं क्या वाह अच्छा उस तो बाद जना उस तो पहले की होंदा सी आमिर सुल्तान चीमा साहब आमिर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट होंदा सी आसफ हनीफ साहब करांदे सन स्टेडियम विच फ्लड लाए अच्छा पूरे पंजाब दीयां टीमां आंदियां सन अच्छा आमिर सुल्तान चीमा साहब जदों आना 2 लाख रुपए दा ऐलान कर जाना 1.5 लाख दा ऐलान कर जाना मैं क्या अमर साहब को साडे लिए भी ऐलान करा दियो कहंदा जी तेरा तलाशे गुमशुदी की दा कराना है साडे फनकारा नाल ते आया हुंदा है फनकारा नु टिकट कराना सी पैसा दे दे खत मत करा ले भाई मैं खान तो आज बहुत चौकस हो कराया जा बिल्कुल ये गुल खान भी चौकस हो जाए हां जी गुल खान ते बड़ा ही चौकस रहंदा है लो जी गुल खान दी शादी हुई गुल खान दी बीवी ने फरमाइश कीती वो खुद हमने भी हनीमूनिया मनाने जाना ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਮਰੀ ਗਿਆ ਨਾਰਾਨ ਕਾ ਗਾਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਲਖਾਨ ਚਾ 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 ਲੱਗਾ ਆਇਆ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਧਰ ਆਓ ਗੁਲਖਾਨ ਤੂੰ ਹਮਕੋ ਕਿਧਰ ਲੈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਨਾ लोग इधर आने के लिए मरता है और तुम नखरे करती है बड़ा सियाना चौकस बात है हम पठान लोग वैसे भी जनाना साथ लिया के सवारी सब पर काम करता है यार जनाना अच्छा मैंने ना मुनज़ा मिली पर सब बाजार मैं क्या क्या बात है मुनज़ा आज बड़ी बदली बदली नजर आ रही है कहती दरअसल आज मैंने क्रीम नहीं लगाई मैं कहा ये इसी से ही सारा हुसन होता है ये बड़ा अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया कि वो जब इनका हनीमून था तो अपनी मिसेस को कहने लगे कि अब हम हनीमूनिया मनाने जाएगा तो जरा मैंने पता लगा कि नहीं असं हनीमूनिया नहीं मनाना जाना क्योंकि कल तू नमूनिया हो जाना तो हनिया मूनिया खराब हो जाना
बहुत अच्छा रहा जी आपका सिलसिला प्यार मोहब्बत का, जिस तरह महसूस करेंगे बात करेंगे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके खूबसूरत ये जोक्स को वेलकम कह रही है। बात करते हैं मुनिजा हम आमिर सुल्तान चीमा साहब से कि इनके वालिद मोहतरम को शहनशाह तामीरात का खिताब दिया गया। मैं पूछना चाहूंगा चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब के, बाकी तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टेन्योर्स गुजरे हैं उस पर हमें फख्र है, लेकिन इस बार चूंकि आपको एक वक्त भी कम मिला, एक डिस्प्यूटेड सिलसिला था आपकी सीट का, लेकिन हमेशा हक सच की ही जीत होती है, तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आप हक पे थे, सच पे थे, तो अल्लाह पाक ने आपको इज्जत से नवाजा। इस दौरान आपने सरगोधा की तामीरात के हवाले से क्या क्या कुछ किया? ये ऐसा है कि जैसा कि वालिद साहब ने एक तवील अरसा जो सियासत की और उन्होंने जो तरक्याती कामों के हवाले से पहचाने गए और लोगों ने उनको शहनशाह तामीरात का खिताब भी दिया, तो मेरा क्योंकि मुकाबला हमेशा ख़ासतौर पर उनकी डेथ के बाद उन्हीं की ज़ात से रहा, क्योंकि लोग मुझे मेरे मुखालफिन से नहीं तशबीह देते बल्कि ये कहते हैं कि चीमा साहब ने कराया तो सांगी कराया, तो मेरे लिए काफ़ी टफ मामला है, क्योंकि उनके बनाई हुई रोड्स, उनके बनाए हुए स्कूल कॉलेजेस, मैं उनकी सिर्फ मरम्मत ही करवा दूँ, उनको वेल मेंटेन कर दूँ, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। इसके लिए करोड़ों रुपया की फंड्स की जो है वो सिलसिला चाहिए था। तो बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का कि उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक डेवलपमेंट स्कीम्स जो दी हैं, मैंने रोड्स नेटवर्क को बेहतर किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मेजर रोड्स थी वो तकरीबन पाया तकमील तक हैं, कुछ बन गई हैं, और जो मेन रोड्स हैं कुछ अभी ज़ाहिर है एक 5 साल का पीरियड तो बहुत कम है कि इसमें डेवलपमेंट मुकम्मल हो सके। इस तरह ही मुख्तलिफ शकूक के जो सीवरेज और ड्रेनेज के मसाइल थे तो मैंने अपने हल्के की तरह ज़्यादा तवज्जो दी है, क्योंकि शहरी हल्का मेरे वाले साहब ने तो अपने हल्के के अलावा भी काम करवाया, शहर सरगोधा को बहुत सारे तरक्याती मनसूबों से उन्होंने नवाजा, तो शहरी हल्का क्योंकि यहाँ पर अरकान असम्बली मौजूद थे तो उन पर उन्होंने ही तवज्जो दी, और मेरा मेरी ज़्यादातर जो है तवज्जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो है N91 के ही जो है उनके बिजली के मनसूबा जात, सुई गैस के मनसूबा जात, रोड नेटवर्क के मनसूबा जात और स्कूलों के जो मनसूबा जात, क्योंकि कॉलेजेस हमारे हल्के में पहले ही माशाल्लाह काफ़ी हैं, और इस तरह सेहत के जो बुनियादी सेहत के जो मराकज़ हैं उनमें दवाइयों का पूरा करना, उनमें उनको बेहतर करना, जैसे सिलावाली का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी बहुत छोटी थी, गवर्नमेंट ग्रांट इतनी नहीं थी, तो मैंने हमने अपनी मदद आपके तहत हमने जो है मिलकर उस एमरजेंसी को जो है वो 2 बेड से हमने जो है 10 बेड्स पे जो लेके गए हैं। इस तरह पीने के पानी के हवाले से प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हमने यहाँ मैं लेके आया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिनमें जो है वाटर सप्लाईज के अलावा जो है वो जो वाटर ड्रिंकिंग के जो छोटे प्लांट्स हैं जिसपे साफ पानी कंपनी ने जो बनाए हैं उसके हवाले से कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन असल मसला जो है वो यही है कि हमें अपने अवाम की मियार ज़िंदगी को बेहतर करना है, वो तभी बेहतर होगा कि हमें कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। टर्की जैसा मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे मसाइल आए, लेकिन उन लोगों ने उस महंगाई को उस तूफान को बर्दाश्त किया और आज वो मुल्क बेहतर है, बांग्लादेश आपसे बेहतर है, तो ये चीज़ें तब बेहतर होंगी कुछ हम एज ए कौम अपने आप को मतलब के थोड़ा सा अब कुर्बानी, क्योंकि हमने ही इन लीडर्स को मुंतखब किया ना, मतलब अब अगर पिछले 70, 72 या 75 सालों में मुंतखब जो हुकूमतें मुंतखब होती गई तो अवाम नहीं मुंतखब की, तो इसके लामाला लोग कहते हैं हम अवाम क्यों कुर्बानी देते, तो लामाला जब अवाम नहीं मुंतखब किया है तो थोड़ा से बर्दाश्त बेहतरी के लिए सब्र भी नहीं करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा सब्र, जैसे वो कहते हैं अभी घबराना नहीं है, तो मैं अक्सर अपने जलसों में कहता हूँ कि खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है भाई, मैं तो पहले सटे घबरा गया। वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, मैं समझता हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हम खो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरा दिल मेरा यकीन इस बात की दलील देता है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा जिसमें हम जिएंगे खुददारी से। जी अल्ताफ साहब, आपकी खामोशी कुछ मुझे परेशान कर रही है, आपकी बड़ी फ्रैंकनेस है, बड़ा ताल्लुक है चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब से, मैं चाहता हूं कि आप भी कोई उनसे सवाल अगर ऐसा करना चाहें तो सहाफत के हवाले से आप पूछ सकते हैं, जैसा कि सरगोधा में बढ़ती हुई ट्रैफिक का बेहंगम शोर जो है वो हम सबको डिस्टर्ब कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई गाड़ी लगी होती है, लोग आपस में दस्तों गिरे बाँ होते हैं,
इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेशुमार सवालात होंगे। जी असल में ऐसे है खान साहब कि मेरा 1990 से चौधरी अनवर अली चीमा मरहूम से रफाकत है और मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है, बहुत कुछ उनसे सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एहसास मुझे हासिल है कि मैं 1995 में मैंने अपना अखबार निकाला है तो 95 से अब तक मैं इसी खानदान के साथ और इसी खानदान को प्रमोट, यानी कि आपने चौधरी अनवर अली चीमा साहब की रफाकत में अपने अखबार का नाम भी रफाकत ही रख दिया। तो मुझे ये एहसास भी हासिल है कि एक बार ऐसा हुआ गालबन ये कोट मुमन इंटरचेंज मोटरवे इंटरचेंज का क्या इफ्तिताह था तो संगे बुनियाद रखा जाना था तो मैंने एक एडिशन शाया करना था डेवलपमेंट के बारे में तो एक मजमून जो है ना वो चौधरी अनवर अली चीमा साहब का था तो फर्स्ट टाइम मैंने ही अल्हम्दुलिल्लाह उनको शहनशाह तामीरात लिखा। बाद में नईम अख्तर खां मरहूम आपको सदाबहार है मैंने लिखा करते थे, उसके बाद चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब से दोस्ती भी है, मसाइल भी डिस्कस करते हैं हम सरगोधा के। जब इनके पास मुकम्मल इख्तदार रहा है पीछे सरदार आजम कई साहब वजीर इनके मामू वजीर आला रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला रहे हैं, उस वक्त मुकम्मल इख्तदार इनके पास था तो चौधरी अनवर अली चीमा साहब और चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब ने ना मिल के ना सिर्फ अपने हलकों की बल्कि सरगोधा शहर की भी बहुत सारी डेवलपमेंट कराई। हमारी माशाल्लाह जो बहू हैं यानी कि आमिर सुल्तान चीमा साहब की मिसेज जो हैं उनका ताल्लुक गुजरात से है और उनका एक पूरा एक फैमिली सेटअप है सियासत के हवाले से, तंजीला वो भी माशाल्लाह सियासत की बसात पे कमाल खेली और अल्लाह पाक ने उनको भी इज्जत और एहतराम से नवाजा। जी मलिक साहब। जी मोहतरमा तंजीला आमिर चीमा साहब की चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरगोधा रह चुकी हैं, दो बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं और हॉकी फेडरेशन की प्रेजिडेंट भी रही हैं माशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था सर कि अपना डॉक्टर वजीर आगा साहब खान साहब डॉक्टर वजीर आगा साहब मोहतरमा खालदा अनवर की किताबों के बारे में अपनी आरा दे चुके हैं और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था आपकी किताबों को। तो उसके अलावा इनकी फैमिली जो है माशाल्लाह सोशल भी है, यूनिवर्सिटी में सरगोधा यूनिवर्सिटी में मकाला जात लिखे जा चुके हैं माशाल्लाह आपकी किताबों पे। आपके अगर हम सिला वाली रोड पे चले तो डॉक्टर नसरुल्ला एक बहुत बड़ा नाम था, उनके हवाले से भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन हो जाए। जी डॉक्टर नसरुल्ला खान गोम्बन साहब सरगोधा की इब्तदाई सियासत में एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत उनका सोशल वर्क है। तो उनके साहबजादा चौधरी फरक जावेद गोम्बन साहब जो चेयरमैन जिला काउंसिल भी रहे हैं, सूबाई मिनिस्टर लाइफ स्टॉक भी रहे हैं, वो चौधरी फरक जावेद चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब के फूफा हैं। तो ये सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जी सियासत के जरिए अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं जी। साबिक वफाकी वज़ीर शहनशाह तामीरात चौधरी अनवर अली चीमा ने अपने पोते चौधरी चौधरी आमिर सुल्तान चीमा के बड़े साहबजादे चौधरी मुनीब सुल्तान चीमा को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया और अब वो 2018 के इलेक्शन में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होकर अपने वालिद के अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए अब दिन रात आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और ये चीमा ख़ानदान का सारा जो ख़ानदान है इनके अजीज़ चौधरी फैसल फारूक चीमा साहब फूफीजाद भाई चौधरी फैसल जावेद घुमन साहब जो हैं वो अपना आवाम की खिदमत पे मसरूफ अमल। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इससे पहले के प्रोग्राम का अहतमाम करूं चूँकि वक्त की कमी और वक्त की कैद हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, मैं चाहूँगा कि सपूत सरगोधा फख्र सरगोधा मोहसिन सरगोधा इस फैमिली के हवाले से मैं अगर लफ्ज़ों को तलाश करूँ और खेलना शुरू करूँ तो मैं खेल ना पाऊंगा। इतने एहसानात हैं इस फैमिली के सरगोधा ज़िला पे। मैं जनाब चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने हलके के लोगों के अलावा अपने पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए बहैसियत मेंबर नेशनल असम्बली कोई खूबसूरत सा पैगाम। जैसे कि मोहब्बतों का ये शहर है और हमारा मुल्क में जैसे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो मेरा बस यही पैगाम है कि हम सब एक कौम बने, हम सब यकजा हों
और हम इस मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले किसी ऐसे मसीहा की तलाश में ज़रूर निकलें, लेकिन हमें पहले अपने गिरोबानों में झांकना है, अपने आप को देखना है और हमें इस अपने अपने घरों की बेहतरी की जो है ना मनसूबाबंदी करनी है। अगर हम अपना अपनी सोच को महदूद ना रखें और उसको वसी करें और अपने घरों के अलावा अपने मोहल्ले, अपनी गलियों, बाज़ारों में भी ऐसी कम्युनिटी को, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करें कि हम अपनी मदद आपके तहत काम करें। हम हर वक्त हुकूमत वक्त पर नज़र ना रखें कि हुकूमत आएगी, हुकूमती नुमाइंदे आएंगे तो हमारे ये बाज़ार साफ़ होंगे, हमारी गलियाँ साफ़ होंगी, हमारे काम होंगे। तो हम एज ए कौम मिलकर अगर हम अपना अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएँ, अपनी गली मोहल्लों में हमारे जो नौजवान हैं वो सोशल वर्क करें, तो यकीनन बहुत सारे मसाइल जो है ना हमारे हल हो जाते हैं। इससे हमें ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि आखिरत में भी एक मकाम अच्छा हासिल होता है। और यही मेरा पैगाम है कि हम इस मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए हर बंदा अपना किरदार अदा करे। और ख़ास तौर पर मेरी नौजवानों से अपील है कि जिन्होंने आइंदा चलकर इस कौम और मुल्क की भागदौड़ संभालनी है कि वो मेहनत करें, लगन करें। आज का नौजवान वो मेहनत नहीं करता, सर सोशल मीडिया पे या मोबाइल्स पे या वो जो गेम्स हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो है। एक वक्त था जब ये जो दूसरी गेम्स होती थी, यानी कि हमें घरों से बाहर निकलकर जो जिस्मानी गेम्स होती थी जिसपे हम प्ले ग्राउंड होते थे, वो वहाँ जाते थे, वो खेलते थे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखते थे और एक अच्छी बैठक होती थी, तफरी के साथ साथ सोशल डिस्कशंस होती थी और उसमें मसाइल हल होते थे। तो अब ज़रूरत है इसकी कि हम जो है ना कौम बने, एक हंजूम ना बने। मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद हम हंजूम ज़्यादा हैं, कौम कम है। चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब, आपने इस कदर खूबसूरत और इस कदर जामिया वाज़ेह पैगाम मेरे शाहीनों के शहर सरगोधा और पूरे पाकिस्तान के लोगों को दिया कि आपके इस खूबसूरत पैगाम में से कई सवालात ने जन्म ले लिया। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा, चूंकि आपका पैगाम बड़ा कीमती है, बड़ा वजनी पैगाम दिया आपने मेरी कौम को, आप सहाफत के हवाले से मलिक अल्ताफ साहब इन खूबसूरत मैसेज में से कोई बात निकाल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं चौधरी साहब से कोई बात इस हवाले से ज़रा थोड़ी सी तबील कर लूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं इनसे एक ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या हम लाखों आवाम जो हैं, एक MLA लाखों आवाम एक MP को जब सिलेक्ट करके अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके भेजते हैं, तो क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो ये इनकी खुद एहतसाबी का एक अमल तो इलेक्शन है, लेकिन क्या इनका ज़मीर इस बात पे मलामत नहीं करता कि हमें जो कौम ने जिस काम के लिए मुंतखब किया है हम वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे? जी, इसमें ऐसा है कि जिम्मेदारी हम पे भी उतनी है, मुंतखब करने वालों पे भी है, और जिम्मेदारी तो ज़ाहिर जिम्मेदारी है। अब चीज़ ये है कि हमारी असल जिम्मेदारी तो फिर कानून साजी है, जिस पर शायद हमारी तवज्जो काम, क्योंकि अवामी डिमांड जो है वो और होती है। तो मैं मतलब लोगों के साथ मिलना है, गमी खुशी में जाना है और उनके छोटे छोटे जो काम हैं वो करने हैं, तो नेचुरली ये चीज़ें हमारी जिम्मेदारी में ही शामिल हैं, हमने करना है। लेकिन एक आम आदमी को जब उसको ये एहसास होगा कि इन मेम्बरान से मैंने ये काम लेना है और मेरी और इन मेम्बरान का ये हक है कि मेरा वो जो मेरा जो हक है उसको इन अवानों से लाकर मेरे दरवाजे तक लाएंगे, तो उसको जब उसकी पहचान होगी, उसको समझ होगी, तो वो लाजमन हमसे बेहतर नतीज जो है वो ले सकेगा, हमसे बेहतर वो तरीके से काम ले सकेगा। तो इसलिए मैंने ये बात ये की कि लोगों को जो है वो अपने हक जानने का अंदाजा होना चाहिए, लोगों को अपने हक का पता होना चाहिए, ताकि ये मेम्बरान असेंबली पर इंसार कम और अपने पर ज़्यादा, ताकि मेम्बरान असेंबली से जब वो अपना हक लेने जाएं तो वो कहें कि आप हमारा ये हक दें, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारे मेम्बरान असेंबली मुंतखब होने के बाद गायब हो जाते हैं। अक्सर बेशतर मेम्बरान असेंबली इस्लामाबाद या लाहौर की जब वो मेम्बरशिप मिलती है उनको, MNAs लाहौर में अपना इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, MPs जो है लाहौर में बैठ जाते हैं, तो हल्कों से दूरियाँ हो जाती हैं। तो जब अवामी लोगों को पता होगा कि हमने हमारा ये हक है और उनसे जब मांगेंगे और जब वो दोबारा आएंगे उनकी दलील पर वोट लेने, तो उनको पता होगा कि हमने ये काम किया है कि नहीं किया। तो इसलिए
एक एक शख्स को, एक एक मोहल्ले को, एक एक गली वाले को अपना पता होना चाहिए उन लोगों को। मेरा ये पैगाम था बेसिकली कि हमें अपनी चीजों का पता होना चाहिए, हमें इनसे अपने हक लेने का अंदाज आना चाहिए इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं कि हम बिल्कुल राइट से मत जो है हम चल पड़े हैं और इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। सामिन इसका हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज का बिग शो जरा बच के। इलाही मेडिकल डेंटल क्लिनिक, जहां मिले आपको डेंटल ट्रीटमेंट, डॉक्टर मौज इकबाल की जेरे निगरानी, कॉस्मेटिक्स डेंटल ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोनिक ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, स्माइल डिजाइनिंग, रूट कैनाल, डेंटल क्रिस्टल ट्रीटमेंट, पीडियाट्रिक डेंटल ट्रीटमेंट, कंसल्टेंट बेस्ड डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल कंसल्टेंट डॉक्टर मौज इकबाल, BDS, RDS, MDS, ऑरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एंड इम्प्लांट, डॉक्टर इरफान चौधरी, डॉक्टर आमिर शहजाद, डॉक्टर अंस। इलाही मेडिकल डेंटल क्लिनिक, औकात कार्ड सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक, ब्लॉक नंबर 18, गर्ल्स कॉलेज रोड, नज़्द मस्जिद बंदियालवी सरगोधा। 0332-133-8769, 0331-9600-348। रंग की तमाया नू रंग की तमाया नू सत बिस्मिल करा जी सदके आया नू जे तू मैनू मिलन मेरे शहरों में हो जे तू मैनू मिलन मेरे शहरों में आ सरगोदा मैं सारा सजा छोड़ा हा इंज रस्ते मैं तेरे सजेंदा सजन इंज रस्ते मैं तेरे सजेंदा सजन फुला कलिया को भी शर्मा छोड़ा हा जे तू मैनू मिलन मेरे शहरों में हा टैम अजदा देवो या के कल रात दा एक मौका देओ बस मुलाकात दा टैम अजदा देवो या के कल रात दा एक मौका देओ बस मुलाकात दा तेडे कदमा तू सजरे मैं फुलवार के तेडे कदमा तू सजरे मैं फुलवार के तेडा शुक्रिया कर मैं अदा छोड़ा हा जे तू मैनू मिलन मेरे शहरा में हा जे तू आया अते साड़ी गल बन वैसी घर साड़ा भी पल विच महल बन वैसी जे तू आया ते साड़ी भी गल बन वैसी घर साड़ा भी झट विच महल बन वैसी ओ तेडे कदमा तेडे कदमा तू सजरे मैं फुलवार के तेडा शुक्रिया कर मैं अदा छोड़ा हा जे तू मैनू मिलन मेरे शहरा में हा जे तू मैनू मिलन मेरे शहरा में हा सरगोदा मैं सारा सजा छोड़ा हा इंज रस्ते मैं तेडे बने दा सजन इंज रस्ते मैं तेडे बने दा सजन फुला कलिया नू भी शर्मा छोड़ा हा जे तू मैनू मिलन मेरे शहरा में आ जे तू मैनू मिलन मेरे शहरा में आ सरगोदा मैं सारा सजा छोड़ा हा जे तू मैनू
मिलन मेरे शहरों में हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ पाजी कोई चंगी मियारी ते सस्ती दी चाह दे दियो। ये सारियां खूबियां ते सिर्फ अमीर चाय जी ने। अच्छा एले फड़ जा ते एक होर खुशखबरी भी सुन। ओ की? एदे विचो निकलेगा एक कूपन, ओदे नंबरां नू कंपनी दे नंबरां ते मैसेज कर ते ओदे नाल की होवेगा? होवेगा ए कि तुसी जीत सकोगे उमरे दा टिकट, मोटरसाइकिल ते बेशुमार कीमती इनामात। ते लो पाजी मुनू फिर एक पैकेट होर दे दियो। ते लो फिर फड़ो एक होर पैकेट। अच्छा जी। ओ पाजी ओ चाह दे दियो जिदे चो इनाम निकलदे ने। ते एले फिर फड़ अमीत चाह ते तू भी मौके तो फायदा उठा। दुकानदार भरावां लई खुशखबरी है कि 3 कार्टन खरीदण नाल कूपन फ्री हासिल करो ते कुरानदाजी च शामिल हो जाओ। अमीत चाह लै के आ ते मौके तो फायदा उठा। आए सोलर से अपनी बिजली खुद बनाए और इजाफी बिजली वापडा को भी दें। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी अरसे दराज से आपकी खिदमत में हर वक्त कोशां। अब आपके लिए लाए हैं बेस्ट क्वालिटी सोलर प्रोडक्ट्स। ना लोड शेडिंग, ना ही बिजली का बिल और ना ही बैटरी की जरूरत। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, ब्लॉक नंबर 5 सरगोधा, 0483767580। जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, हमारे आज के तीसरे मेहमान जो हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है चौधरी जुल्फकार बाजवा। चौधरी साहब का अगर जिक्र करें तो सियासी समाजी शख्सियत होने के अलावा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वॉलीबॉल के प्लेयर भी हैं, बेस्ट प्लेयर हैं। और बल्कि मुझे याद आया मैंने जिना हाल के करीब जो हमारा एक वो नेट लगा हुआ वॉलीबॉल का, वहाँ इन्हें बड़ी चुस्त अंदाज से खेलते हुए देखा तो मैं हैरान हो गया। और ये आए आकर मिले माशाल्लाह, उस वक्त इनके पास एक पंजाबी गेंद ने थोड़ा सी किनुआ था, उसमें से हमें भी कुछ किनुओं की लज्जत से महसूस होने का इत्तेफाक हुआ। जी चौधरी जुल्फकार अहमद बाजवा साहब, मेरा ख्याल उर्दू वाला तकल्लुफ ना करिए, तुहाडे नाल लगदा गल्लां हुण गईआं मूंह ते मेरी आले खूह ते बड़ा स्वाद होणा। इंजी ने जी पंजाबी साडी मां बोली, सजनो ते बोलियो पंजाबी विच गल होएगी। चौधरी साहब बड़े खुले डुले बंदे ने, सियासत भी रज के करदे ने, जिम्मेदारा भी अल्लाह ताला ने खुल खुला के दिता होया, भरिया पंचायतां दे सरपंच ने। चौधरी साहब मैं पुछना चाहवांगा कि तुहाडे नाल जिहड़ी एक शख्सियत बैठी हुई है, माशाल्लाह एक बड़ा मन्निया परमन्निया नां है चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब, तुसीं कहि जी इहनां दी मौजूदगी दे विच मेरे कोल सवाल जवाब दी गुंजाइश नहीं है, असीं मन लैंदे हां। चलो इंज करने हां कि तुसीं आमिर सुल्तान चीमा साहब दी कोई कमाल जी खूबी सानूं दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर सुल्तान चीमा साहब मेरे वड्डे भाई ने, मेरे ताए दे पुत्तर ने, ते साड़े मुड़े एक ते बड़ी अजीजदारी है, रिश्तेदारियां ने, दूसरा सारी उम्र की सेफ भी इन्हां दे नाल, ते इंशाल्लाह कोशिश करनी है जिहड़े ढंग जिंदगी दे ने इन्हां नाल गुजर जा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੱਜਣੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਮਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਚੀਮਾ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੁਨਤ ਵੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਇਸੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 107 ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗੋਧਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਪੈਗਾਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਮਰ ਸੁਲਤਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਫੜਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਦਮ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਲਕਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਡ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ,
ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਵਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਨਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕ 107 ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਸੂਸਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋਰੋਇਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤਰ ਫਿਰਦੋਸ ਮੁਕਾਮ ਆਲੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਰ ਕਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਸ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਆਮਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਚੀਮਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਚੌਧਰੀ ਆਮਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੱਕ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਰਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੇ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਕੇ ਲੀਏ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੇ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾ। ਤੋ ਚੌਧਰੀ ਆਮਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਚੀਮਾ, ਇਤਨੀ ਅਨਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਆਪ ਥੱਕ ਜਾਤੇ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਰੂਹ ਕੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਰੂਹ ਕੀ ਗਿਜ਼ਾ ਕੋ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਸੁਣਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਤੋ ਫਿਲਮੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਮੌਸੀਕੀ ਕਭੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸੀਕੀ ਐਸਾ ਗਾੜੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਸਕੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਜੋ ਵੋ ਲਗਾ ਲੈਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਚੋਇਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋਹੀ ਮੇਰੇ ਅਬ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਟੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਰਾਤ 9-10 ਵਜੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋਂ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਵੋ ਦੇਖ ਲੈਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਸ ਜ਼ਹਿਨ ਮੈਂ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਾ ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਕੋ ਗਿਣ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੂੰ, ਆਜ ਇਤਨੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ ਇਤਨੇ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜੋ ਰਸ਼ੀਦ ਪੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸੁਬਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਤਗੀ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਫੌਤਗੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੇਤਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਰ ਕਾਮ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਕੋ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਉਸਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਸਭ ਕਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸਮੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਮੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਆ, ਇਸ ਪਰ ਹਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੋ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜੈਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ ਸੇ ਉਸਕੋ ਉਨਕੀ ਉਨਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਉਨਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਪੇ ਪਰਦਾ ਡਾਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੀ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੋ ਪਰਦਾ ਢਲ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੀ ਜੀਤੀ ਜਾਗਤੀ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਵੋਟ ਸੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਲੂਜ਼ ਹੁਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਜ਼ਾ, ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੁਆ, ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਵਕਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਮੁਕਾਬਲ ਕੇ ਵਕਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਜ਼ਹਾਰ ਕੀ, ਔਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪਰ ਹੁਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਦਾ ਡਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਨਮ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਹਿਰੀਰ ਸੀ, ਆਗਾਜ਼ੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਨਾਬ ਕਾਬਲ ਇਹਤਰਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਫਖਰ ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਾਮੀਰਾਤ ਬਾਬਾ ਸਰਗੋਦਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਖਿਤਾਬਾਤ ਸੇ ਜਿਨਕੋ ਨਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੇ ਆਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ
आमिर सुल्तान चीमा साहब आपसे है कि जितने शफीक सियासतदान थे, जितने बड़े इंसान थे, उतने ही बड़े वो बाप भी थे। क्या कभी उन्होंने आपको डांटा, कभी पिटाई भी हुई, या हिकमत से आपको समझाया और नेक राह दिखाई? भाई, वालिद का जो किरदार है एक शफीक बाप का, वो उनका रहा है। उन्होंने मुझे अपना, उनका अंदाज ही ऐसा था कि उनकी उनकी शख्सियत ही बल्कि ऐसी थी कि वो वैसे ही उनसे डर लगता था। बहुत सारी चीज़ें उनसे मैं फ्रेंकली नहीं कई दफ़ा कर पाता था, कई दफ़ा मैं कर जाता था तो फिर मुझे बाद में था कहीं मैंने गुस्ताखी तो नहीं कर दी, कोई गलती ऐसी गलत तो नहीं बात कर दी। तो वो शुरू से ही अपना उन्होंने एक असूल रखा है। मुझे, मैं जब छोटा था तो मुझे मैं बोर्डिंग हॉस्टल में रहा हूँ, तो हालांकि मैं एक बेटा हूँ उनका, लेकिन उन्होंने मुझे हॉस्टल में रखा ताकि मेरी एक अच्छी तरबियत हो। जब छुट्टियों में, खासतौर गर्मियों की छुट्टियों में 3 महीने की होती थी, मैं आता था तो मुझे वो खुद डिक्टेशन की दिया करते थे, कहते थे आज मैं आपको ये शाम पाऊंगा तो मैं आपको डिक्टेशन करूंगा। उसमें मेरी गलतियाँ होती थी तो गलतियाँ निकालते थे। कई दफ़ा मुझे वो कहते थे सजा के तौर पर मूर्खा भी बनाते थे, कहते थे कि भाई अब तुमने आज तैयारी नहीं की है, तुमने ये पढ़ा नहीं है। मुझे इंग्लिश की डिक्टेशन ज़्यादा कराया करते थे वो। फिर मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो उस वक्त भी फिर चीज़ें, फिर मेरे साथ उनका रवैया आहिस्ता आहिस्ता एक दोस्त का रवैया भी रहा। यानी कि उन्होंने मुझे अगर थोड़ा सा डांटा भी अगर है किसी काम से तो मेरी मेरी बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए। और फिर जब मुझे उन्होंने अपने एक शफीक बात होने के साथ साथ एक दोस्त बनकर भी मुझे उन्होंने बहुत सारी रहनुमाई दी। बहुत शुक्रिया आज की इस खूबसूरत नशस्त के साथ, जबकि हमारे मेहमान खास थे चौधरी आमिर सुल्तान चीमा, किसी भी तारफ के मोहताज नहीं। हम सबको इजाजत दीजिए, बिग न्यूज का बिग शो जरा हटके, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और इस तरह की खूबसूरत शख्सियत के साथ। इजाजत दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।